ये तो कुछ ही नहीं है। अरे लगाओ व्यवस्था, बुलाओ पुलिस, बरसाओ लाठियां, खाएंगे और दिल खोल के खाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटेंगे तो एक ही बात है, तीन भी लटेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकुंद और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अभी हम खड़े हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे, जहां किसान पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। राजस्थान के किसान थे और आज यहां बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के किसान अपने व्हीकल जत्था के साथ यहां पहुंचे हैं। उन्होंने जब से वह महाराष्ट्र किसान आए, तो पहले एक तरफ का रास्ता बंद था यहां पे, जो जयपुर से दिल्ली को जोड़ता था, लेकिन आज जब महाराष्ट्र किसान आए तो उन्होंने दूसरा रास्ता भी पूरी तरह से बंद कर दिया, जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता था। यानी कि अब कहें दिल्ली जयपुर जाने वाला जो मुख्य सड़क थी नेशनल हाईवे 8, पूरी तरीके से बंद हो चुका है। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती संख्या को देख के प्रशासन ने अपनी तैयारी पुख्ता करी है और पुलिस प्रबंधन की संख्या बढ़ाई है। उसके बावजूद किसान दोनों सड़क बंद करने में कामयाब रहे। और अब चलिए आप किसानों से समझने की कोशिश करते हैं और किसान नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं आंदोलन का आगे का रास्ता क्या है और उनकी अभी भी सरकार के साथ क्या वार्ता होने वाली है, इसको लेकर बात करते हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन का मूल उद्देश्य यही है, जो तीन कानून बनी हैं वो तीन कानून कॉरपोरेट का स्वार्थ में बनी है। हम चाहते हैं तीन कानून रद्द हो, इसलिए क्योंकि अगर ट्रेड का नाम पर, व्यापार का नाम पर कॉरपोरेट सेक्टर घुसेगा, तभी एमएसपी और एपीएमसी का जो आधार है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं उस कानून का रद्द हो। तो ये जो कानून बनाए हैं, ये कानून किसानों को और ग्राहक को, दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। और जो कॉरपोरेट क्षेत्र के बड़े भांडवलदार है, बड़े पूंजीपति है, उन लोगों को ये और तगड़ा करने का और श्रीमंत करने का ये कानून है। तीन दिन से मीडिया एक ही बात कर रहा है, किसान वापस कब जाएंगे? किसान वापस नहीं जाएंगे। अब जाएंगे तो तीन बिल वापस जाएंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे। किसानों की धरती है, किसान अपनी धरती पे बैठे हैं, आप किसानों को वापस भेज रहे हो, कहाँ भेजोगे इनको? ये तो अपनी धरती पे बैठे हैं, मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सरकार की पॉलिसी का नतीजा जिस प्रकार का कृषि संकट पूरे देश में है, उसके कारण किसान कर्जे में डूबा हुआ है, लागत मूल्य लगातार बढ़ती जा रही है और जो आमदनी आनी चाहिए वो कम है, उसका नतीजा है कि लागत मूल्य को भी किसान पूरा नहीं कर पा रहा। इस प्रमुख मांग के लिए किसान लगातार लड़ रहा है। किसान सभा की अगुवाई में इन्हीं मांगों को लेके 2017 में एक फार्मर स्ट्राइक हुआ, अलग अलग बाकी के संगठन जुड़े और किसानों का पूरा कर्ज माफ हो और लागत मूल्य से डेढ़ गुना दाम किसानों को मिले, इस मांगों के लिए वहां से एक चिंगारी भड़की। उसका नतीजा था कि 13 दिन तक स्ट्राइक चला, फार्मर स्ट्राइक, और एक लॉन्ग मार्च निकला किसान सभा की अगुवाई में, जो नासिक से चल के 40,000 किसान मुंबई तक पहुंचे, 7 दिन लगातार चले, 200 से भी ज्यादा किलोमीटर पैदल चल के गए, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उससे उभर के सामने आया। और उसकी पृष्ठभूमि में 208 संगठन मिलके अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी और फिर किसान सभा और बाकी सारे संगठन जुड़ के संसद को घेराव किया गया। आज उसी आंदोलन का एक बहुत बड़ा रूप हम इस आंदोलन में देख रहे हैं। आज 500 से ज्यादा संगठन शामिल हुए हैं और किसी एक गांव, एक शहर का नहीं, एक राज्य का नहीं, एक संगठन का नहीं, 500 से ज्यादा संगठन और पूरे देश का ये आंदोलन बना है। खेती में बिजली नहीं मिलता और भाव नहीं मिलता खेत माल को, तो ये सरकार ने ऐसा किया तो कैसा चलेगा? उधर हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में जो किसानों की जो हालत है, पहले से ही बुरी तरह है। जो भी किसानों के आत्महत्या हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है देश के, तो पहले से ही वहाँ भाव नहीं मिल रहा है। मंडी में जो दिक्कतें है, सरकारी जो मंडी रहती है उसमें जो बाजार समिति रहती है उसमें दिक्कतें थी, लेकिन वो भी अभी खत्म हो जाएगी इस काले कानून की वजह से, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या हो जाएगी उधर की किसानों की। ये सरकार ने जो तीन कानून किया है ना, वो कानून नहीं वापस लिया, तो हम नहीं जाएंगे घर में, नहीं जाएंगे।
हाँ तो मेरे मकई मैं मेरे खेत में उगाती है, मैं बाजरा उगाता हूँ मेरे खेत में, गन्ने का किधर के थे, गन्ने का थोड़ा हमें भाव मिल जाता है, लेकिन इधर जो बाकी कड़धान्य का जो किसानों का है, भूमू के फलिया रहता है, उसका भी कुछ नहीं मिल रहा है। अभी इसके वास्ते जो भी किसानों का है, कैश किसान के मजदूर है, मजदूरों का जो का है उनका बकाया देना पड़ता है, वो नहीं दे पा रहे, इसके वास्ते उसको कर्जा रहता है और कर्जे के वजह से वो आत्महत्या कर रहता है वो उधर किसान का। इसके वास्ते हम किसान का ये बिल जो लाए है मोदी सरकार, उसका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र से पूरी तैयारी के साथ इधर आए हैं। जब तक वो किसान के वो काले कायदे वापस नहीं ले लेते तब तक हम डटे रहेंगे इधर, और वो उधर हम सब किसान पूरी तरह तैयारी के साथ आ गए, खाना पीना हमारे साथ लाए है। मोदी ने पूरा देश बिकने का निर्णय लिया है, हम ऐसा नहीं बना देंगे। हम महाराष्ट्र से आए हैं, यहाँ का जो आंदोलन चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन उसको हम 2-3 दिन में मैं फिर से महाराष्ट्र में जाने वाला हूँ, और महाराष्ट्र में जो किसान है वो किसान और जागरूक करके इकट्ठा करके इस आंदोलन में फिर से हल्ला बोल करने वाले हैं, और जो आंदोलन होगा वो महाराष्ट्र से शुरू होगा और दिल्ली तक आएगा। मुझे लगता है दिल्ली में उसका स्वरूप बहुत विशाल होगा, और यहाँ जो किसान लड़ रहा है उन किसानों को हम ताकत देंगे, और ये मोदी का सरकार वो बर्बाद करेंगे। ये जो काला कानून लाया है मोदी जी ने, ये गलत है। जब तक काश्तकारों को MSP लागू नहीं होगा, जब तक देश के किसान ऊंचे नहीं पड़ेंगे। हम चाहते हैं MSP का लगा ही छो, जितना फसल है जो 23 फसल उसका पर MSP का लगा ही छो, और सारी फसल जो कि सरकार खरीद करे उस चीज को लेकर उड़ीसा में प्राइस प्रेस्टीज पेंशन को लेकर आंदोलन करीब करीब 10 साल से चल रहा है। प्राइस प्रेस्टीज पेंशन, हम वही मिनिमम जस्टिफाइड प्राइस का बात बोल रहे हैं, MSP के आधार पर पेंशन का बात बोल रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं जी कि जो किसान खेती करता है उसका सोशल सिक्योरिटी का गारंटी सरकार दे। तो किसान का बच्चा होने के नाते मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि इन प्रमुख 3 मांगों को लिए और जो अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर पॉलिसी की मांग हम लगातार कर रहे हैं, कर्जा माफी की मांग कर रहे हैं, 1.5 गुना दाम की मांग कर रहे हैं, और आज की तारीख में जो नए कानून मोदी साहब लाए हैं उनको खारिज करने के लिए लड़ाई है, तो एक सही दिशा में जा रही है। मुझे एक समानता लॉन्ग मार्च और आज के आंदोलन में जो दिखती है वो ये है कि लॉन्ग मार्च शुरू जरूर किसान सभा ने किया था, लेकिन 7 दिन चलते हुए जब 40,000 किसान मुंबई तक पहुंच रहे थे तो गांव-गांव से लोग आके मिले, खाने का प्रबंध किया, दवाइयों का प्रबंध किया, रहने का प्रबंध किया, और लोग सामने आके केवल किसान नहीं मध्यम वर्ग सामने आया, नौकरी करने वाले सामने आए, और यहाँ तक कि पुलिस और अफसर भी सामने आए, अलग अलग राजकीय पार्टीज BJP छोड़ के सभी राजकीय दलों ने उसका समर्थन किया था। आज भी अगर इस आंदोलन को आप देखेंगे तो उसी मायने में एक पूरा मानवता का आंदोलन ये बना है, कोई एक संगठन नहीं, सारे किसान संगठन मजदूर संगठन आज आके मिले हैं, और सरकार पे एक दबाव बना है कि एक केवल किसानों का नहीं पूरे भारतवर्ष के श्रमिकों का ये आंदोलन बना है, और उड़ीसा से लेकर बंगाल से लेकर साउथ से लेकर गुजरात महाराष्ट्र से पूरा लोग जुड़े हुए हैं, किसान जुड़े हुए हैं, और हमारा विश्वास है इस आंदोलन का जो मकसद है उसको सरकार मानेंगे, नहीं तो संगठित जनमत सरकार को एक दिन इसका जवाब देगा। मोदी सरकार ने यहाँ जैमर लगा दिए, हमारे फेसबुक वार सब कुछ नहीं चल रहा, यहाँ जैमर लगा दिए, लगाओ जैमर, कितने जैमर लगाओगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाएंगे पैदल चल के, और वहाँ जाके हमारे फेसबुक व्हाट्सएप वहाँ से चला देंगे, यहाँ से रिकॉर्ड कर ले जाएंगे, भाई हमारे यही तो होगा कि यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ लाइव डाल देंगे, लाइव हमारा नहीं चला देने को, कोई बात नहीं मत चलाओ जी, ये किसान है ये ना खरीदे हुए हैं, ना किसान बिकता है ना किसान खरीदता है, किसान धरती पुत्र है और धरती पुत्र किसान की आवाज है। 2017 के आंदोलन और इस आंदोलन में समान है, और वो है शांततापूर्ण मार्ग से और डेमोक्रेटिक जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके दायरे में रह के आंदोलन करना। अगर हम हिंसा का साथ लेते हैं तो बहुत आसान जाता है राज्यकर्ताओं को उस आंदोलन का तहस नहस करना, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ जो डेमोक्रेटिक हमारा राइट है उसका
आधार लेते हुए उसके डेमोक्रेटिक जो हमारा ढांचा है उस ढांचे के अंदर रहते हुए और आत्मक्लेश और संयम के साथ अगर हम बढ़ते रहे, अपने मुद्दों पर ठाम रहते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहे, तो मुझे पूरा यकीन है कि जीत किसानों की और मजदूर जो हमारे साथ खड़े हैं उनकी होगी और हार मोदी शाह और बीजेपी के किसान विरोधी नीति की होगी। अगर सरकार मान लो अभी भी नहीं मानती है तो महाराष्ट्र के किसानों की और तैयारी किस तरह से? नहीं, अभी हम तो प्राथमिक स्वरूप से महाराष्ट्र के किसान हजारों इधर आ गए, अगर ये किसान नहीं मानते तो हमारे महाराष्ट्र के लाखों किसान इधर आके बैठ जाएंगे और वो पूरी तरह से हमें पता है उनको वापस लेना ही पड़ेगा, जो काले काले उन्होंने बनाए कोरोना के कार्यकाल में वो उनको वापस लेना ही पड़ेगा। इतना बड़ा वो फैसला कि किसी ने नहीं मांगा है उनको, आप कानून लाओ, किसी की भी मांगे नहीं वो कानून लाओ, फिर वो थोप क्यों रहे हमारे ऊपर? बहुत गलत पंगा लिया है मोदी जी ने, ये तो वो आदमी है जो हमेशा पंगे में रहते हैं। कभी शिव की लड़ाई होती है, कभी पानी की लड़ाई होती है, तो हमारे तो लड़ाई चलती रहे, हमारे लड़ाई में कोई प्रभाव कौन पड़े, पर मोदी जी बहुत गलत फैसलो है तारो।